नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है प्लॉट। आप अपने प्लॉट में कोठी बनाने जा रहे हैं या बंगला बनाने जा रहे हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के नियमानुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। क्योंकि आपके प्लॉट को दो गलियाँ लगती है, आपका प्लॉट कॉर्नर का है, आपके प्लॉट को एक गली नॉर्थ की यानी उत्तर दिशा की लगती है, दूसरी गली वेस्ट की यानी पश्चिम दिशा की लगती है। आपकी जो अपनी मेन गली है वो उत्तर दिशा में है, तो ऐसे में आपको वास्तु के अनुसार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो जो आपका प्लॉट है वो नॉर्थ फेसिंग है और वेस्ट फेसिंग कॉर्नर का प्लॉट है, इसमें आपने अपना मेन गेट कहाँ लगाना है। क्योंकि जब भी कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है या बिल्डिंग के लिए प्लानिंग की जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले मेन गेट के बारे में विचार किया जाता है। क्योंकि जब तक मेन गेट का विचार नहीं होगा, तब तक बिल्डिंग के अंदर का सेटअप नहीं बना सकते। ऐसे में आपको जो अपना मेन गेट बनाना है, मेन गेट आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहां पर आपने अपना मेन गेट बनाना है। मेन गेट से एंट्री करके यानी नॉर्थ ईस्ट का भाग, ईस्ट और साउथ ईस्ट, यानी मेन गेट से सीधे ईस्ट होते हुए साउथ ईस्ट तक आपका अपना ईस्ट वॉल पर ड्राइवे बन जाएगा। आप जब अपनी बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग को आपने चारों तरफ से ओपन रखना है, क्योंकि आपके प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है और इसमें आप अपनी कोठी या बंगला बना रहे हैं, तो उसमें हमेशा ही चारों तरफ से ओपन स्पेस रखा जाता है। आपने अपनी जो बिल्डिंग बनानी है वो इस प्रकार आपने अपनी बिल्डिंग बनानी है। इसमें जो आपका फ्रंट का भाग है यानी उत्तर दिशा का भाग है, ओपन एरिया में ज़्यादा होगा, और जो आपका अपना दक्षिण का भाग है वो ओपन एरिया में उत्तर दिशा से कम होगा। ऐसे ही जो आपकी अपनी पश्चिम की दिशा है, पश्चिम दिशा में जो आप ओपन एरिया रखेंगे वो ओपन एरिया आपका पूर्व दिशा के यानी कि ईस्ट से वेस्ट का ओपन एरिया कम होगा। वेस्ट में ओपन एरिया कम होगा और ईस्ट में ओपन एरिया ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आपने अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार कराना है। वास्तु के नियमानुसार नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में जितना ज़्यादा खुला स्थान होता है, उस घर में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने घर के अंदर का सेटअप किस प्रकार से बनाना है। आपने अपनी किचन कहाँ बनानी है? आपने अपनी किचन यहाँ पर आपने अपनी किचन बनानी है। यहाँ पर आपका अपना डाइनिंग एरिया आ जाएगा। मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में आएगा और एग्जैक्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर में आपका ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। आपने अपनी जो टॉयलेट बनानी है वो टॉयलेट आपकी यहाँ पर बनेगी। ड्राइंग रूम आपने कहाँ बनाना है? नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपका अपना ड्राइंग रूम बनेगा, नॉर्थ के भाग में आपके अपनी टॉयलेट और वॉशिंग एरिया बनेगा। नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपने अपना बेडरूम बनाना है और एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट कोने में आपका अपना ड्रेसिंग और टॉयलेट बन जाएगा। ये आपका अपना बेडरूम बनेगा। लॉबी के अंदर आपने स्टेयर्स कहाँ बनानी है? लॉबी के अंदर स्टेयर्स आपने
यहाँ पर वेस्ट की दीवार के साथ आपने अपनी स्टेयर्स बनानी है, और स्टेयर्स जो बनेगी वो आपकी अपनी क्लॉकवाइज बनेगी, यानी यहाँ से आप पहले स्टेप पर जाएंगे। स्टेयर्स बनाते हुए, स्टेप्स बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि स्टेप्स आपके आरामदायक बने। आपने अपने किचन के लिए वॉशिंग एरिया कहाँ बनाना है? किचन के लिए वॉशिंग एरिया आपका किचन के नॉर्थ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपका अपना वॉशिंग एरिया आ जाएगा। वॉशिंग एरिया के साथ आपका अपना मंदिर आ जाएगा। आपने अपने घर के अंदर आने के लिए जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस आपने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर आपका अपना डोर आ जाएगा, और डोर के साथ में आपके दोनों तरफ विंडो आ जाएंगी। आपने अपने यहाँ पर नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में भी और पूर्व दिशा में भी जितनी खिड़कियाँ लगानी हैं वो सभी खिड़कियाँ ओपनेबल होनी चाहिए, खुलने वाली होनी चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है उसमें ज़्यादातर खिड़की को ग्लास से बंद कर दिया जाता है और एक छोटा सा हिस्सा ओपनेबल कर दिया जाता है। ऐसा करने से वास्तु दोष बनता है, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपनी कोठी बनाने जा रहे हैं, अपना बंगला बनाने जा रहे हैं, और उसमें नॉर्थ और ईस्ट के भाग से हवा और रोशनी घर के अंदर आती है, तो घर के अंदर का जो एनर्जी का लेवल है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो बढ़ जाती है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो आपका साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, साउथ वेस्ट का कॉर्नर आपका कंप्लीट पैक होना चाहिए। कम से कम ये मान के चलिए इस हिस्से में आपने कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं लगाना है, और ऐसे ही आपने वेस्ट के भाग में भी कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं लगाना है। कम से कम ये मान के चलिए 10 फीट का एरिया ये और 10 फीट का एरिया वेस्ट की तरफ आपने बिल्कुल सॉलिड रखना है। आपको अपना साइड वाली गली में यानी वेस्ट के भाग में एक गेट लगाना है, तो वो गेट आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना गेट लगाना है। आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर गेट बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आपने अपने यहाँ पर जो गार्ड रूम बनाना है, गार्ड रूम आपने गेट के साथ में यहाँ पर आपका अपना गार्ड रूम बनेगा। ध्यान रखना है गार्ड रूम जब बनाए तो नॉर्थ वॉल से टच करता हुआ नहीं होना चाहिए। गार्ड रूम आप पोर्टेबल रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि कंक्रीट का बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखना है जो गार्ड रूम का फर्श का लेवल है वो बाहर के फर्श के लेवल के बराबर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर पानी की जो बोरिंग करनी है, पानी की बोरिंग आपकी यहाँ पर यानी सबमर्सिबल यहाँ पर आ जाएगा। पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो वो पानी का अंडरग्राउंड टैंक आपका यहाँ पर आ जाएगा, और हार्वेस्टिंग टैंक जो बनाना है वो आपका अपना यहाँ पर बनाना है। आपने अपने यहाँ पर बिजली के लिए अर्थिंग जो करनी है वो अर्थिंग आपने ईस्ट की दीवार के साथ यहाँ पर करनी है। जब आप अर्थिंग यहाँ पर कराएं तो उसमें ध्यान रखना है जो आपकी मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस के ठीक सामने अर्थिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। जनरेटर आपने कहाँ लगाना है? जनरेटर आपने साउथ की दीवार के साथ यहाँ पर आप अपना जनरेटर लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान कैसे करनी है। आपने अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट की ओर, और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान करानी है। ऐसे ही जो आपकी अपनी बनी बिल्डिंग है उसमें फर्श की ढलान, फर्श का स्लोप जो कराना है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर, या साउथ से नॉर्थ की ओर, या आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर फर्श की ढलान करवानी है, स्लोप करवाना है। ऐसे ही जो आपकी टेरेस बनेगी, जो छत बनेगी, छत की ढलान भी आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर ही करानी है। और तीनों भागों में बांटना चाहें तो आप तीनों भागों में भी अपनी छत का स्लोप करवा सकते हैं। मैंने आपको जो जानकारी दी है वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी दी है। इस प्रकार से आप अपना घर बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके घर के अंदर हमेशा ही खुशहाली बनी रहेगी, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा,
और घर के अंदर सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आप सभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर अपने नक्शे पर, अपनी कोठी के बारे में, अपनी किसी भी साइट के बारे में बात करना चाहते हैं, वास्तु सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मेरे से वास्तु सलाह ले सकते हैं। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप अपने यहाँ बदलाव करना चाहते हैं, तो बदलाव करने से पहले एक बार नहीं कई बार विचार जरूर करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने यहाँ बदलाव कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।